इंदौर शहर में दिनों दिन साइलेंट हार्ट अटैक के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। बुधवार को एक ऐसा ही और मामला सामने आया। रात में शहर के पुलिस सब इंस्पेक्टर की साइलेंट हार्ट अटैक से मौत हो गई। मौत से पहले उन्हें 3 हिचकी आई और कुछ ही सेकंड में जीवन खत्म हो गया। पिछले दिनों शहर में एक ऐसा ही वीडियो वायरल हुआ था जिसमें व्यक्ति की खाने की मेज पर ही मौत हो गई थी। वहीं पत्नी नेहा भूरिया ने बताया कि 42 साल के प्रवीण भूरिया ग्रामीण DIG ऑफिस में पदस्थ थे। उनके स्वजन ने बताया कि रात तक प्रवीण सामान्य थे और रोज की तरह उन्होंने बच्चों के साथ समय बिताया। अल सुबह जब पत्नी उठी तो प्रवीण को थोड़ी घबराहट हुई। इसके बाद 3 बार उन्होंने हिचकी लिया और उनके मुंह से झाग निकला। उन्हें पत्नी ने CPR भी दिया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। स्वजन पड़ोसियों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। स्वजन पहले उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल ले गए, वहां ICU में जगह नहीं थी तो फिर मेदांता अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत करार दे दिया। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें हार्ट अटैक आया था।